डी आरती किचन में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज बना रही हूँ अरबी के पत्ते की सब्जी और पकोड़े। तो चलिए उसके लिए मैं चलती हूँ अपने किचन गार्डन में, जहाँ अरबी मैं लगाई हूँ और बहुत अच्छी हरी भरी अरबी के पत्ते अभी हुई है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, देखिए बहुत सारे घास हो गया है बारिश के कारण, और इसमें अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं डर डर के जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी सांप भी हो सकता है, तो इसीलिए मैं इसको देख देख कर जा रही हूँ कहीं सांप ना निकल जाए। तो इस तरह मैं यहाँ देखिए कितना सारा जंगल हो गया है मेरे गार्डन में। और ये है ओल का, जो सुरन बोलते हैं, सुरन का पेड़। और यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, ये है परवल का लत्ती, जो परवल पटल जो होती है उसी का लत्ती है। देखिए एक परवल यहाँ लगा हुआ है। तो अभी बारिश में बहुत सारी सब्जियाँ हो रही है, और देखिए छोटी छोटी परवल लगी हुई है, और आप देख भी सकती हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा परवल का लत्ती कैसा होता है, तो इस तरह होता है। और यहाँ देखिए यह है अरबी, और यहाँ पर मैं चेक कर ले रही हूँ, एक यहाँ पर भी अरबी है, यहाँ भी छोटी छोटी है, पर जितनी छोटी होती है उतनी ही टेस्टी बनती है। और देखिए चारों तरफ जंगल हरा भरा, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह मैं सोची आप सभी के लिए एक बड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, और इस तरह देखिए चारों तरफ जंगल जंगल हुआ पड़ा है। और ये भी हमारे गार्डन में पेड़ है शहतूत का, और यहाँ मैं एक डाली ले ली हूँ, और यहाँ मैं एक एक करके अरबी के पत्ते को तोड़ लूँगी। तो देखिए इस तरह बहुत आसानी से टूट जाती है, और जो ये ऑर्गेनिक जो भी सब्जियाँ होती है ना, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो इस तरह मैं एक एक करके तोड़ लूँगी, और देख भी सकती हूँ जितनी छोटी पत्ती रहेगी उतनी ही अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है या पकौड़े। थोड़ी बड़ी हो जाने पे थोड़ा सा वो हार्ड हो जाती है, पर उसकी भी अच्छी बनती है, पर जितनी छोटी रहती है उतना ज़्यादा अच्छा बनता है सब्जी। तो इस तरह करके मैं एक एक करके तोड़ लूँगी। और तोड़ते समय आप क्या होता है ना कि कभी कभी हाथ में थोड़ी सी खुजली होने लगती है, तो आप सावधानी से तोड़े। और यहाँ देखिए मेरा जो चापाकल है कैसे जंगल से ढक गया है, और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी बड़ी अरबी की पत्ती हो गई है, तो इसको भी मैं तोड़ लूँगी। और हमारे घर में बहुत सभी को बहुत पसंद है अरबी के पकौड़े चना दाल और चावल के साथ। तो इस तरह देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, और देखने में कितनी बड़ी बड़ी लग रही है। तो ऐसे इसको भी मैं आसानी से, ये भी टूट जाती है क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है, और देखिए कितनी फ्रेश लग रही है। तो अरबी का पत्ता आप चाहें तो अपने घर में भी लगा सकती हैं, बहुत आसानी से ये लग जाती है। इसको जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ पर आप लगा दीजिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई खाद उद डालने की नहीं ज़रूरत है, ये आसानी से हो जाती है अपने आप, बस आप थोड़ी सी अरबी लेकर लगा दीजिए। तो इस तरह मैं सभी पत्ते को करके तोड़ लूँगी, और मुझे तोड़ने में बहुत अच्छा इसलिए लगता है, ये बहुत सॉफ्ट लगती है और देखने में भी हरा भरा है, और यहाँ भी जंगल में बहुत मच्छर भी है, तो मैं पत्ते तोड़ रही थी मच्छर भी बहुत काट रहे थे। तो इस तरह मैं सभी को तोड़ ली हूँ, और ये सब जो घास है वो जंगली घास है, यहाँ पर भी है यहाँ साइड में भी, तो मैं इसको भी तोड़ लूँगी। और किनको किनको अरबी के पत्ते के पकौड़े या सब्जी पसंद है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकती हैं, और आप कैसे बनाती हैं अपना तरीका भी मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। तो इस तरह मैं सभी पत्ते को तोड़ लूँगी एक एक करके। तो आप देखते रहें और मेरी वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिएगा। और इस तरह तो देख सकती हैं मैंने सभी अरबी के पत्ते को तोड़ ली, और ये डाली में एक डाली हो गया, बहुत सारा हो गया है। तो मैं सभी को तो नहीं बनाऊंगी, कुछ मैं दे दूंगी पड़ोसी में, क्योंकि हमारे घर में जो भी कुछ होता है हम लोग पड़ोसी को दे देते हैं, पड़ोसी के घर भी होता है तो वो हमारे घर में देती हैं। तो मैं दे दूँगी आधा, और आधा के ही बनाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह चलिए मैं आपको यहाँ लेकर आगे चलती हूँ गार्डन में, और देखिए मैं यहाँ रख कर थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, और देखिए सारी जंगली घास है, कितनी अच्छी लग रही है सभी।
और बारिश के मौसम जो सावन जो होता है, सावन स्पेशल अरबी के पत्ता की जो सब्ज़ी होता है बहुत ही टेस्टी लगती है, और ये सावन के महीने में ही होता है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने जहाँ मैं हरी मिर्च लगाई थी, बहुत सारा हरी मिर्च हो गया है, और हम सोचे भी नहीं थे उससे ज़्यादा दुगना चौगुना एक बार में 3 केजी 4 केजी हरी मिर्च निकल जाती है, और समझ में भी नहीं आता कि क्या करें, और नहीं तोड़ने से ये गलने लगती है। तो यहाँ पर मैं कुछ हरी मिर्च ले लूँगी सब्ज़ी में डालने के लिए, और जो आप गार्डन का फ्रेश फ्रेश हरी मिर्च आप इस्तेमाल करती हैं ना, बहुत हेल्दी भी होता है सेहत के लिए और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह मैं 10-12 तोड़ लूँगी, ज़्यादा नहीं। और अभी जो हरी मिर्च तोड़ने ऐसे ही डंठल से ऊपर से मैं सिर्फ तोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा नहीं तोड़ना है। और देख सकती है कितना सारा मेरा हरी मिर्च का पौधा लगा है, बहुत सारी इसमें हरी मिर्च लगी हुई है। तो मैं इसे बाद में तोड़ूंगी, अभी बहुत मच्छर भी काट रहा है, तो मैं इतना तोड़ ली। अब मैं जा रही हूँ इसको, अब मैं जा रही हूँ नल के पास, इस सभी पत्ते को, अरबी के पत्ते को अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। यहाँ मैं आ गई किचन में, और किचन में मैं ले ली हूँ ये 500 ग्राम चना का दाल, भिगो दी 500 ग्राम ये चना दाल है, क्योंकि मेरे अरबी के पत्ते ज़्यादा है, तो उसके लिए मैं 500 चना का दाल ली हूँ। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ 3 मुट्ठी, मुट्ठी से ही मेरा मैं नापी हूँ 3 मुट्ठी अरवा चावल। अरवा चावल और चना दाल से सब्जी बनाएंगे, अरबी के पत्ते की सब्जी या पकौड़े तो बहुत ही टेस्टी लगती है। पूरी रात इसको मैं भिंगोने के लिए रख दी थी चावल और दाल को, और अच्छे से 2-3 पानी से साफ़ कर दी। देखिए अच्छे से ये साफ़ हो गई। अब पूरी रात दाल को भिंगो कर रखेंगे तो उससे बहुत अच्छी टेस्टी बनती है सब्जी पकौड़े। तो इस तरह मैं मिक्सर ग्राइंडर ले ली हूँ, और इसमें मैं आधी, क्योंकि ये 500 ग्राम है तो जितना क्वांटिटी इसमें अटेगी दाल की चावल की तो मैं उतनी ही डालूँगी। तो इसको मैं सेट कर दे रही हूँ अच्छे से, और इसमें मैं जो दाल भिंगो के रखी थी उसको मैं आधा इसमें डालकर पीस लूँगी। तो इस तरह आप भी बना सकती हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहे तो चना के दाल के जगह उड़द का भी दाल ले सकती हैं, उससे भी टेस्टी बनती है, पर हमारे घर में उड़द वाली कोई पसंद नहीं करती है, तो मैं चना वाली दाल का ही इस्तेमाल करती हूँ। आप चावल को भी स्किप कर सकती हैं, सिर्फ दाल से बना सकती हैं, पर चावल डालने से क्या होती है, थोड़ी सी कुड़कुड़ी क्रिस्पी बनती है पकौड़े। यहाँ पर मैं आधा चम्मच काली मिर्च डाल दी हूँ, 1 चम्मच जीरा डाल दी हूँ, और 5-6 हरी मिर्च डाल दी हूँ, हमारे गार्डन की जो मिर्च है, और 8 कली लहसुन डाल दी हूँ। थोड़ी सी पानी डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। इसका पतला पेस्ट नहीं करना है, गाढ़ी इसका पेस्ट आपको बनाना है। मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर ली, और देखिए इस तरह इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं अलग बर्तन में निकाल के आपको दिखा रही हूँ, तो इसके लिए बड़ी सी मैं बर्तन ले ली हूँ, क्योंकि मैं 2 बार इसको ग्राइंड करना है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए, गाढ़ी भी नहीं ज़्यादा पतली भी नहीं, क्योंकि अच्छे से इसको पत्ते पे लग जाए। तो इस तरह मैं सभी को निकाल दी, और फिर दोबारा इसी में जो चना बच गए हैं उसको भी मैं इसी में ग्राइंड कर लूँगी। इसको भी मैं ग्राइंड कर ली और उसको भी मैं डाल दी, और यहाँ जो पेस्ट आपको बनना, बहुत ही स्मूथ पेस्ट आपको यहाँ तैयार करना है, क्योंकि अच्छे से रह जाए, लग जाए पत्ते पर। तो इस तरह मैं सभी को निकाल दी, और यहाँ पर मैं अब थोड़ी सी इसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर 1.5 चम्मच मैं डाल दी हूँ, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हूँ, और अच्छे से सभी पाउडर को इसमें मिला दूँगी कलर के लिए। आप चाहे तो हल्दी पाउडर स्किप भी कर सकती हैं, पर डालने से कलर बहुत अच्छा लगता है हल्दी पाउडर, और हमारे घर में बिना हल्दी का कोई भी खाना बनता नहीं है, उसको अशुभ माना जाता है, तो इसीलिए हल्दी पाउडर हम लोग हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी, और सभी को अच्छे से नमक को अच्छे से मिला दूँगी। कहीं भी अच्छे आपको बाकी नहीं रहना चाहिए, सभी को अच्छे से इस तरह मिला दीजिएगा तो आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो इस तरह मैं सभी को मिला दूँगी, और आप भी इस तरह कर सकती हैं। आप चने के दाल के जगह उड़द का दाल भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पर चावल ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे आपकी जो पकौड़े होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनती है। और देखिए इसको मैं अच्छे से साफ़ कर ली थी, वो वाला वीडियो में नहीं शूट कर पाई, मैं शूट की थी पर वो शॉर्ट में शूट हो गई थी, तो मैं वो नहीं डाली, क्योंकि ये जब आप साफ़ करेंगी ना तो इसमें पानी ही नहीं ये ठहरता है, पानी गिर जाती है, तो बहुत अच्छे से इसको साफ़ करना पड़ता है एक एक करके। तो इस तरह मैं एक बड़ी सी ये ले ली हूँ, बोर्ड ले ली हूँ, और यहाँ कटिंग बोर्ड,
और यहाँ पर जो अरबी का पत्ता है इस तरह ले ली, और ये यहाँ से जो डंठल है सभी डंठल को मैं निकाल लूँगी। ये बहुत आसानी से निकल जाती है, कोई झंझट नहीं है। देखिए तो इस तरह मैं निकाल दी, और इस तरह आपको एक एक करके ऐसे लगा देना है। चॉपिंग बोर्ड पे ऐसे रख दीजिए, आपके चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो थाली है तो थाली पर भी आप ऐसे रख सकती है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, लगता है कि बहुत बनाने में झंझट होगा, पर मैं जिस ट्रिक से आपको बता रही अब बनाएंगी तो बहुत एक बार में ही परफेक्ट बना सकती हैं। तो इस तरह सभी पर जो बेसन पेस्ट बना के मैं रखी थी चना चावल का, तो इस तरह मैं सभी पेस्ट को ऐसे लगा देना है। हाँ थोड़ा पेस्ट लगाने टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये अरबी के पत्ते चिकनी होती है तो पेस्ट आसानी से लगता नहीं है, तो आप टाइट हाथों से इस पे पेस्ट लगाएंगी तो अच्छे से ये लग जाएगी। तो देखिए आपको ऐसे करके हर जगह पत्ते पे आपको लगा लेनी है, जितनी अच्छे से आप लगाएंगे पेस्ट को उतनी अच्छी टेस्टी बन के रेडी होगी आपकी पकौड़े सब्जी। तो इस तरह मैं एक एक करके सभी पर लगा लूँगी। और सावन जो हमारे घर में, जैसे हम लोग के घर में नॉनवेज सावन में नहीं बनती है, तो जो लोग नॉनवेज के शौकीन हैं तो ये सावन के महीने में हर घर में ये अरबी के पत्ते की सब्जी बनती है। वैसे मैं तो नॉनवेज खाती नहीं हूँ, पर हमारे घर में सारे लोग खाते हैं नॉनवेज, तो मैं उनको सोची कि थोड़ा सा बनाकर खिला दूँ। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, पर मैं सोची कि थोड़ा एक दिन चलो कर लेते हैं उनके लिए, तो मैं वही उनके लिए ही बना रही हूँ, मुझे खाना नहीं है। तो इस तरह एक एक करके आपको पत्ते को रखनी है, ऊपर से ये पेस्ट लगानी है, बहुत ही अच्छी बन के रेडी हो जाती है ऐसे सब्जी। और चाय के साथ जो आप गर्म गर्म इसका खाएंगी, चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है बिना ग्रेवी वाली। तो हमारे बच्चे भी बहुत, मतलब हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको भी बहुत पसंद है ऐसे पकौड़े। वो लोग, मैं क्या करती हूँ उसको ऐसे मतलब बना बना कर बिना फ्राई किए हुए रख देती हूँ फ्रिज में, तो आप ऐसे फ्राई बिना फ्राई किए हुए भी रख देंगे फ्रिज में तो 2-3 दिन ये आसानी से रह जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। जब को जिसको चाहिए तो आप उसको उस टाइम गरम फ्राई कर करके गरम गरम दीजिए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह आपको फोल्ड कर देना है। देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, और थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा और पेस्ट लगा देने कि अच्छे से चिपक जाए। आप चाहे तो अगर आपसे अच्छे से फोल्ड नहीं हो रही है, निकल जा रही है, तो आप यहाँ पर धागा ले लीजिएगा, धागा से लपेट दीजिएगा तो उससे भी हो जाती है। पर आप इस तरह लास्ट में थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगी तो वो बिल्कुल भी नहीं खुलता है। यहाँ पर मैं ले ली थाली, जो जाली वाली थाली होती है उस पर मैं ऐसे रख दूँगी, ऐसे रख दूँगी। और यहाँ पर मैं इडली मेकर जो होता है उसको मैं चूल्हे पर बैठा दी हूँ। देखिए पानी मेरा गर्म हो चुका है, तो इस तरह मैं उस पर थाली को रख दूँगी, ऊपर से ढक दूँगी ढक्कन से। देखिए कुछ इस तरह ढकना है आपको, और ये लंबी है तो थोड़ा सा बाहर आ गई है, पर टेंशन की बात नहीं है, बाद में सही हो जाती है। तो फिर मैं दूसरा भी बना लेती हूँ ऐसी करके। मुझे तो कम से कम 6 पीस जितना में है, 6 पीस बन गया है रोल, 6 पीस रोल मैं बना लूँगी। तो इसी तरह आपको बनानी है, बहुत ही आसान है। और आप कैसे बनाती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकती हैं, मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मेरी वीडियो और अच्छे से सुधार आए। वैसे मेरी वीडियो अभी नहीं आ पा रही है, और आगे भी पता नहीं कब आएगी, जब तक मेरी तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक। तो इस तरह एक एक करके मैं फोल्ड कर लूँगी, और यहाँ पर मैं म्यूजिक लगा दे रही हूँ, प्लीज़ आप कंटिन्यू बने रहें। इसको भी मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगी। देखिए कितना आसान है इसे फोल्ड करना, कोई भी इसमें झंझट नहीं है। लास्ट में थोड़ा सा पेस्ट लगाइए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, बहुत ही आसानी से हो जाती है। जहाँ जहाँ भी लगे कि ये चिपकी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा आप पेस्ट लगाकर उसको से चिपका दीजिए, और उबलने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है। लास्ट में भी मैं थोड़ा सा ऐसे लगा दे रही हूँ। देखिए इस तरह यहाँ पर भी थोड़ा सा पेस्ट लगा दूंगी लास्ट में,
ये भी रेडी हो चुका है, तो इसको भी मैं अभी वो उबल रहा है, फिर वो उबल जाए उसके बाद यहाँ मैं चेक कर ले रही हूँ। देखिए इसमें स्टीम हो, एक में अभी हुआ है, फिर मैं इसको भी रख दी उसी में। और अब यहाँ पर मैं इस यहाँ ये जो ढक्कन है वो मुझे छोटी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे कोई बड़ी सी बर्तन से ढक दूँ, इससे अच्छे से स्टीम हो जाए। और आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी उबाल सकते हैं, कढ़ाई में डायरेक्ट पानी में डाल कर भी उबाल सकती हैं, पर ऐसे स्टीम करेंगी तो बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता है। तो देखिए बस 2 या 3 मिनट हुआ होगा और देखिए मेरी जो है पत्ते अच्छे से स्टीम हो चुकी है रोल। तो इसको मैं अलग बर्तन में निकाल दी, बहुत आसान है इसे निकालना। फिर मैं दूसरा डाल दी उसमें, तो यहाँ पर मैं 2 और डालूँगी, मुझे 6 रोल हुए हैं मेरे, तो मैं 2-2 करके, क्योंकि मेरी जो थाली है वो छोटी है, तो मैं 2-2 करके इसमें स्टीम दे दूँगी। अगर आपके पास मोमो स्टीमर है तो उसमें भी डाल के इसे स्टीम दे सकती हैं, बहुत ही आसान है, पर हमारे पास है नहीं, तो मैं ऐसे देखिए यहाँ पर मैं थाली से ढक दी, थाली से ढकने से बहुत अच्छे से ये ढक गई, बहुत जल्दी स्टीम हो जाएगा। तब तक चलिए हम मसाले पीस लेते हैं जब तक वो रोल स्टीम हो रहा है। तो यहाँ पर मिक्सी जार ले ली बड़ी वाली, यहाँ पर मैं सरसों ले ली हूँ, काला वाला सरसों या पीला सरसों जो भी आपके पास अवेलेबल है वो डाल सकती हैं। ये 2 चम्मच सरसों है, 2 चम्मच सरसों, 1 चम्मच खड़ा साबुत जो धनिया होता है, साबुत धनिया मैं डाल दी हूँ, धनिया डालने से मसाले और टेस्टी लगती है और पेट के लिए साबुत धनिया बहुत ही हेल्दी होता है। यहाँ पर मैं 1/2 चम्मच काली मिर्च डाल दी हूँ और मैं 1 चम्मच जीरा डाल दी हूँ। मैं आप चाहे तो यहाँ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पर मैं खड़ा मसाला का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि खड़े मसाले का स्वाद अलग होता है। यहाँ मैं हरा मिर्च डाल दी हूँ हमारे गार्डन के 10 से 12, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी हूँ कलर के लिए, लाल मिर्च डालने से थोड़ा सा कलर अलग हो जाता है। यहाँ मैं 30 कली लहसुन डाली हूँ, लहसुन आप स्किप भी कर सकती हैं पर लहसुन डालने से और टेस्टी लगता है, तो 30 कली लहसुन डाली, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मसाले को देखिए पीस ली हूँ। तो मसाले को अलग बर्तन में मैं निकाल देती हूँ, तो इस तरह मैं मसाले को अच्छे से अलग बर्तन में निकाल दी और ये बर्तन मेरी छोटी पड़ गई है, तो इसको मैं अलग बर्तन में इसको मैं निकाल ली। अब इसी जार में मैं जिसमें मैं मसाला पीसी थी, ये छोटा 4 टमाटर है इसको मैं, और अगर टमाटर आपके पास ज़्यादा है तो यहाँ 6 टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पर मैं 4 का ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमारे पास 4 ही टमाटर है। तो इस तरह 4 टमाटर को बड़े बड़े पीसेस में मैं काट लूँगी इस तरह, क्योंकि टमाटर अभी बहुत महंगा भी हो चुका है, तो इसीलिए मैं 4 ही टमाटर डाल रही हूँ। तो यहाँ मैं टमाटर काट कर डाल दी, और यहाँ पर मैं प्याज उसी जार में, यह है प्याज, प्याज को मैं बड़े बड़े पीसेस में काटी थी, ये बड़े साइज़ का 2 प्याज था, तो मैं सभी को डाल दी। और थोड़ी सी प्याज मैं बचा कर रख ली हूँ थोड़ा सा तड़का लगाने के, लास्ट में मैं आपको बताऊँगी कि इस प्याज को कैसे तड़का लगाना है मसाले में। तो इस तरह इसमें पानी नहीं डालना है इसको, मैं प्याज और टमाटर को अच्छे से इसका पेस्ट रेडी कर लूँगी। देखिए पेस्ट रेडी हो चुका है, देखिए टमाटर और प्याज इस तरह रेडी हो चुका है इसका पेस्ट। और इस तरह पेस्ट बना के सब्ज़ी बनाएंगी तो आपकी जो सब्ज़ी है बहुत ही टेस्टी बनेगी और ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनती है। आप चाहे खड़ा प्याज भी डाल सकती हैं, पर वैसे डालने से ग्रेवी आपकी बहुत गाढ़ी और स्वादिष्ट लगती है खाने में। देखिए 3 मैं निकाल ली हूँ रोल, ये ठंडा होने के लिए मैं रख दी हूँ इसको, और ये ठंडा भी हो चुका है। देखिए दूसरा जो है, दूसरा भी मुझे मेरा निकल गया, और देखिए निकालना बहुत आसानी है, ऐसे थाली को पलट दीजिए आसानी से निकल जाती है, चिपकती नहीं है और अच्छे से ये पक चुकी है, आप देख भी सकती हैं। और ये देखिए जो गर्म 2 मैं निकाली हूँ उसको भी मैं ठंडा कर लेती हूँ, पर जो ठंडा हो चुका है उसको मैं पीसेस में काट लूँगी। तो ये सबसे पहले जो मैं रखी थी वो बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुकी है, तो मैं फिर वही चाकू से लेकर मैं छोटे छोटे पीसेस काट लूँगी, जैसे आपको पतला मोटा जैसा चाहिए आप अपने सेफ मतलब अकॉर्डिंग सेफ इसका दे सकती हैं, छोटा पतला कर सकती है। तो इस तरह मैं सब्जी चॉपर पे रख कर ऐसे मैं काट ली, बहुत ही आसानी से कट जाती है, देखिए देखिए कितनी अच्छी अच्छी
पीसेस बनी हुई है और अंदर बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे रख सकती हैं, जब आपको मन करे तब आप इसे फ्राई करके चाय के साथ खा सकती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में ऐसे। और ऐसे स्टीम करेंगी तो इसमें जैसे कभी कभी खुजली भी होने लगती है तो वो खुजली नहीं होती है। तो इसी तरह मैं सभी को एक एक करके पीसेस में काट लूँगी। बहुत ही आसान है काटना, बहुत झंझट नहीं काटना, और ये निकलती भी नहीं है पत्ते। अच्छे से इसको स्टीम दे देंगी तो ये पत्ते एक दूसरे से निकलती भी नहीं है। तो इसी तरह मैं सभी को पीसेस में काट ली और ये देखकर कोई नहीं बता सकता है ये वेज वाली है। ये बिल्कुल मछली की तरह दिखती है, खाने में भी वैसे ही इसका टेस्ट आता है जो फिश खाते हैं। तो इस तरह इसको मैं साइड करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे पीसेस मेरे हुए हैं अरबी के पत्ते के। देखिए कितनी अच्छे से, ये जो थोड़ी सी चिपकी है तो उसको ऐसे अलग कर लेना है। इसको मैं साइड करती हूँ। चलिए फ्राई कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डाली हूँ, जो भी आप खाने में इस्तेमाल करती हूँ उस तेल में आप इसे फ्राई कर सकती हैं। तो मैं एक एक करके, तेल मेरा गर्म हो चुका है तो जितना मुझे लगे इसमें अटेगा उतना मैं डाल के इसको डीप फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखना है, नहीं तो क्या होगी कि डीप फ्राई करेंगी तो पत्ते बहुत जल्दी जलने लगते हैं तो इसका टेस्ट अलग हो जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे पकाएं। तो मैं एक एक करके सभी को डाल दी हूँ। और सावन के महीने में तो सभी को बहुत पसंद आती है अरबी के पत्ते के पकौड़े, अरबी के पत्ते की सब्जी। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं। और मुझे 2 मिनट हो चुका है इसे ऐसे फ्राई करते हुए एक साइड से, तो फिर मैं उसे दूसरे साइड पलट दूंगी। बहुत ही आसान है फ्राई करना। और देखिए ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही है, पत्ते एक दूसरे से अलग भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि स्टीम करने से वो जो बेसन होती है तो वो अच्छे से चिपक जाती है, चावल और चना का जो मैंने पेस्ट बनाई थी। आप चाहे तो सिर्फ बेसन से भी बना सकती हैं, उससे भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो इसको मैं क्या करती हूँ एक एक करके पलट दूंगी। पलटना बहुत आसान है, बस आप आसानी से पलटिएगा क्योंकि यहाँ पर तेल के छींटे भी कभी कभी पड़ जाते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि कभी फेस पे पड़ जाता है तेल, कभी हाथ पे पलटने टाइम में हो जाता है। तो इस तरह सावधानी से यहाँ आप पलटिएगा। तो इस तरह करके एक एक करके मैं सभी को पलट लूँगी। आप देख भी सकती कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। ऐसे आप इसे स्नैक्स के तरह खा सकती हैं, चाहे आप चाहे तो इसे ऐसे फ्राई करके भी रख सकती है फ्रिज में, पर मैं उसको बॉईल करके ही रख देती हूँ। उसके 2 मिनट और मैं उस साइड भी पकाऊंगी। ये अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है, और ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना, बस इतना ही फ्राई करना है, गोल्डन गोल्डन इसको फ्राई करना है। तो ये हो चुका है तो इसको मैं ऐसे छन्नी में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये तेल में है तो ऐसे छन्नी में रखेंगी ना तो तेल जो इस पर एक्स्ट्रा तेल है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह मैं करके एक एक करके सभी को निकाल लूँगी। अगर कहीं आपको कच्चा लगे तो फिर उसको थोड़ी देर और उसको फ्राई कर लें, जल्दी निकाल लिएगा नहीं, उसको अच्छे से चेक कर लें। यहाँ प्लेट में मैं निकाल रही हूँ, मेरी सासू माँ मांग रही है खाने के लिए तो मैं उनको निकाल कर दे रही हूँ। ये गरम गरम खाएंगी तो बहुत ही टेस्टी लगता है, आप एक बार ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। फिर दोबारा उसी तेल में मैं डाल दी, इसी तरह डालना है सभी को। मैं फ्राई कर लूँगी, मेरा बहुत ज़्यादा है तो मुझे बहुत टाइम लगेगा इसे फ्राई करने में, पर मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई कीजिएगा। इसी तरह एक एक करके मैं सभी को फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर आप चाहे तो बड़ी सी कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं जिसे जल्दी फ्राई हो जाए, पर आप कम क्वान्टिटी में बना रही हैं तो छोटी कढ़ाई में फ्राई कर सकती हैं। देखिए सभी को मैं रख दी प्लेट में,
देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी अपने घर में ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ी सी, देखिए कितनी टेस्टी लग रही है, दिखने में बहुत ही क्रिस्पी बनी है। ऐसे आप तोड़ेंगी आसानी से टूट जाती है। इतना सारा यहाँ फ्राई मैं कर ली हूँ, मेरी सभी फ्राई हो चुकी है। तो चलिए मैं बड़ी सी कढ़ाई ले ली हूँ, अब इसको मैं आधी को मैं ग्रेवी लगाऊंगी, आधी को मैं, सारे लोग पकोड़े की तरह खा चुके हैं और बस आधा बचा है, तो आधा का मैं ग्रेवी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल ली हूँ, 3-4 चम्मच सरसों का तेल, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है तो तेल भी ज़्यादा लगेगी। यहाँ मैं सरसों का तेल डाल दी और इसे मैं फुल फ्लेम पे गरम कर लूँगी। जब भी तेल गरम करें वहाँ फ्लेम को तेज कर दीजिएगा, हाई कर देंगे तो तेल बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इस तरह मैं छोड़ दी तेल गर्म होने के लिए, और यहाँ पर मैं चेक कर ले रही हूँ तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो मैं चेक कर ले रही हूँ तेल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैं अब फ़ौरन डाल दूँगी। मैं तेल ऐसे ही चेक करती हूँ गर्म हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए धुआं निकलने का तेल से, तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं जीरा डाल दी हूँ और एक लाल मिर्च डाल दी हूँ फ़ौरन के लिए। जीरा और लाल मिर्च का फ़ौरन डालेंगी तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं कुछ तेज़पत्ता डाल दी हूँ, ये हमारे घर का ही तेज़पत्ता है, तो घर की जो तेज़पत्ता है उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये सभी फ़ौरन अच्छे से चटक गए हैं, तो यहाँ पर आप चाहे तो जो मैं प्याज बचा के रखी हूँ प्याज को भी डाल सकती हैं, थोड़ी सी एक मुट्ठी कटा हुआ प्याज डाल सकती है, पर मैं प्याज बाद में डालूँगी आपको बताऊँगी। यहाँ पर जो मैं मसाले पीस के रखी थी सभी मसाले को डाल दी। अब मैंने सभी मसाले को डाल दी और यहाँ पर मैं थोड़ी सी कलर के लिए मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दी। मुझे इतना टाइम लग गया हल्दी पाउडर डालने में, क्योंकि हल्दी पाउडर का जो डब्बा है मैं कहीं और रख दी थी, ढूंढने पे चली गई थी। तो प्लीज़ माइंड नहीं करिएगा, मसाले डालने के बाद मैं हल्दी पाउडर डाल दी हूँ 2 चम्मच बड़े चम्मच से, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है तो कलर के लिए अच्छा खासा मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। तो इस तरह मसाले को कम से कम मैं 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करूँगी, जब तक कि मसाले अच्छे से कढ़ाई में तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ फ्लेम को मैं हाई रखूँगी और थोड़ी थोड़ी देर पर मैं इसे चलाते रहूँगी। 5 मिनट हो चुकी है, देखिए 5 मिनट के बाद मेरे मसाले कुछ इस तरह फ्राई हो रहे हैं और तेल भी साइड से छोड़ रहे हैं। तो इस तरह मैं लगातार इसे अब चलाते रहूँगी, कि नहीं तो क्या होता है ना कि इस टाइम में ना मसाले चिपकने लगते हैं। पर जो कढ़ाई आपकी है अगर मोटे तलवे वाली कढ़ाई है तो वो मसाले जल्दी नहीं चिपकते हैं, पतली कढ़ाई रहती है तो जल्दी चिपक जाते हैं। तो यहाँ मैं इसी तरह लगातार ऐसे मसाले को चलाती रहूँगी अच्छे से, जब तक मसाले अच्छे से फ्राई ना हो जाए, इससे मैं इसी तरह पकाती रहूँगी। और देखिए धीरे धीरे मसाले जो है साइड से तेल भी छोड़ रही हैं और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अभी तो मेरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं क्या आपको बताऊँ। यहाँ पर जो मैं प्याज रखी थी वो मैं फ्राई करते हुए आपको नहीं दिखाई, तो मैं थोड़ी सी उसके 2 चम्मच तेल में उसको प्याज को, एक मुट्ठी जो प्याज में रखी थी उसको 2 चम्मच तेल में छोटी चम्मच से उसको फ्राई कर ली थी। और यहाँ मैं मसाले में इसका तड़का लगा दी, इससे क्या होगी कि आपकी जो मसाले का टेस्ट है वो बहुत ही अलग हो जाती है। तो इस तरह मैं प्याज, मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ग्रेवी वाली, तो इस तरह मैं उसमें तड़का मसाले में डाल देती हूँ। प्याज को अलग कढ़ाई में फ्राई करके, या छोटी सी फ्राई पैन होती है उसमें फ्राई करके आप इसमें डाल सकती हैं। देखिए जो मेरी मसाले हैं लगभग ये फ्राई हो चुकी है, साइड से देखिए तेल भी छोड़ने लगी है। तो बस मैं ज़्यादा नहीं, बस और 2 मिनट इसे फ्राई करूँगी। अच्छे से मसाले फ्राई हो चुकी है, जो मैं पेस्ट बना के रखी थी टमाटर और प्याज की, उसको मैं डाल के इसे और 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मसाले अच्छे से पक चुके हैं।
जब मसाले अच्छे से पक जाए तभी आप डालिएगा पेस्ट, जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाकर रेडी की हूँ वो लास्ट में डालना चाहिए। उससे क्या होगी कि मसाले का कच्चापन नहीं रहेगा, नहीं तो अगर आप बीच में डाल देंगी तो टमाटर क्या होते हैं मसाले को अच्छे से फ्राई नहीं होने देती है खट्टा के कारण। तो जब मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए तभी आप उसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट मिलाइएगा। तो इस तरह देखिए मेरी जो मसाले हैं अच्छे से वो फ्राई हो चुकी है। यहाँ पर मैं लगातार ऐसी तरह चलाते रही, देखिए जो मसाले है बहुत अच्छे से मसाले मेरे हो चुकी है। इसमें यहाँ पर मैं 2 सेकंड और चलाकर अब इसमें मैं पानी डाल दूँगी और देखिए मेरे मसाले कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपकी हुई है और इसका क्वांटिटी भी देखिए कम हो जाए। जैसे ही आप मसाले फ्राई हो जाएगी उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। तो इस तरह आप मसाले फ्राई कीजिएगा। यहाँ पर हो चुकी है, देखिए कलर कितनी टेम्पटिंग कलर दिख रही है। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करूँगी, ठंडा पानी का नहीं बिल्कुल भी। सब्जी जब भी बनाएं उसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा, उससे क्या होगी कि आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह सोची मैं एक सेकेंड में इसे और चला लेती हूँ कि मसाले बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगे। तो ये अच्छे से मसाले अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कढ़ाई में तेल भी छोड़ दिया है। यहाँ पर मैं गरम पानी डाल दी, देखिए गरम पानी डालने के साथ ही मसाले खोलने लगते हैं। तो इस तरह मैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए अपने अकॉर्डिंग पानी डालिएगा। आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पानी डालिएगा, कम चाहिए तो कम पानी डालिएगा। तो इस तरह मैं पानी डालकर अच्छे से सभी मसाले को अच्छे से मिला लूँगी और कलर भी देख सकती कितनी अच्छी कलर आई है मसाले में और बहुत ही टेस्टी बनी है। तो इस तरह मैं अच्छे से चला ली। मुझे ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो यहाँ पर मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ, यहाँ स्वाद अनुसार मैं नमक डाल दी। जो अरबी के पत्ते होते हैं उसमें थोड़ी सी पानी आप ग्रेवी में ज़्यादा डालिएगा क्योंकि वो सोख लेती हैं डालने के बाद। तो यहाँ पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। मैं डाल दी मुझे जितना चाहिए था। ये अरबी के जो पत्ते वाली सब्जी होती हैं वो इसमें डालेंगी पकौड़े तो वो क्या होगी सोख लेगी, तो आपकी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर ये मैं पानी डाल दी हूँ, कलर भी देख सकती कितनी अच्छी लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक दी, थोड़ा अच्छे से ये पक जाए, एक उबाल आ जाए तब फिर इसमें मैं देखिए ये उबाल आ चुकी है। तो अब इसमें मैं जो अरबी के पकौड़े हैं पत्ते की अब इसमें मैं डालूँगी। इस तरह मैं चला लूँगी, जो मसाले बैठे होंगे आसानी से सब मिल जाएंगे। जब भी पकौड़े डालें जब ग्रेवी अच्छे से उबल जाए तभी पकौड़े डालना चाहिए, ठंडा में बिल्कुल भी नहीं डाले। तो इस तरह करके मैं एक एक पकौड़े सभी को डाल दूँगी और देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अभी आपको ग्रेवी बहुत पतली लग रही होगी, बाकी थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ी हो जाती है। तो इस तरह मैं थोड़ा बचा ली हूँ और मैं आधा से ज़्यादा इसमें डाल दी। बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे आप 2-3 दिन आराम से फ्रिज में रख के खा सकती हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। जो फिश खाते होंगे इस तरह आप बनाएंगी तो फिश खाना बंद कर देंगे। और देखिए कितनी अच्छी कलर दिख रही है, कितनी टेम्पटिंग कलर है। तो इस तरह मैं हल्के हाथों से इसे चला लूँगी, ज़्यादा नहीं 5 मिनट बस मैं इसे पकाऊँगी कि पहले से ये सारा कुछ पका हुआ है। तो मैं ढककर इसे ज़्यादा नहीं 5 मिनट तक ही पकाऊँगी। देखिए कितनी अच्छी, और इतना मैं बचा ली हूँ खाने के लिए, आधा तो लोग खाए हैं फिर और थोड़ा सा मैं बचा ली हूँ। देखिए कलर बिल्कुल फिश की तरह दिख रही है और इसे ढककर मैं 5 मिनट तक पकाऊँगी।
5 मिनट हो चुकी है। तो मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ, देखिए मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही ढककर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखिएगा ये जो ग्रेवी है बहुत ही गाढ़ी हो जाती है ठंडा होने के बाद। तो मेरी सब्जी बनी, तो फिर मैं इसे ढक दी हूँ और 10 मिनट के बाद आपको निकाल के दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। और अभी आपको कैसा दिखने में लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह मैं ढक दी और फ्लेम को मैं बंद कर दी। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 10 मिनट के बाद देख सकती हूँ मेरी जो सब्जी है बहुत ही स्वादिष्ट डिलीशियस बनी है, बहुत ही टेस्टी लग रही है। और कलर भी इसका देखिए कितनी टेम्पटिंग कलर लग रही है देखकर। और देखिए ग्रेवी भी बहुत गाढ़ी हो चुकी है। तो आप पतला शुरू में लगे तब घबराए नहीं, ऐसे 10 मिनट छोड़ देंगी तो ये गाढ़ी हो जाती है। तो मैं अलग बर्तन में निकाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं तो बना रही थी तो मुझे लग रहा था मैं खा लूँ, पर मुझे खाना नहीं है तो मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। तो इस तरह देखिए एक भी पीस नहीं टूटी है, सब जैसे थी वैसे ही है। तो आप भी इस ट्रिक से बना सकते हैं अरबी पत्ते चने दाल और चावल के पकौड़े और सब्जी। देखिए मेरी सब्जी पकौड़े रेडी है। देखिए सब्जी देखकर कोई भी नहीं बता सकता है कि ये वेज है, देखने में बिल्कुल मछली की तरह लग रही है। ये पकौड़े हैं तो आप दोनों को इस्तेमाल कर सकती हैं, खा सकती हैं चाय के साथ, चावल के साथ, पराठे के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना।